हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप फॉर ऑल द सीएमए स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़कर जाना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए निकाले हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन फॉर जून 2021 एंड दिसंबर 2021 टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है और आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है वो आपको बहुत ही क्लियरली अच्छा से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और मैं बता दूँ, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप पूछिए टेलीग्राम चैनल में, आपको कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन करिए। एंड वन मोर थिंग्स, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर ही सकते हो, इसके साथ साथ आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ कि क्या क्वालिफिकेशन निकाले हैं इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 में कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 अमेंडेड जो रहेगा वो 31 मई 2021 तक अमेंडेड रहेगा और ये इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, बेहतर यू आर ए सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और बेहतर इफ यू आर ए सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको रेफरेंस पेपर दिया हुआ है, सिलेबस 2016 का पेपर 12 है आपका कंपनी कोस्ट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरमीडिएट के लिए और जो फाइनल का स्टूडेंट्स है उनका कोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो फाइनल का पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें आपको कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 का जो अमेंडेड होगा अप टू 31 मई 2021 वहाँ तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और फैसिलिटी प्रोवाइडेड, देखिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ पे चाहिएगा, आराम से क्लिक करिएगा, आराम से पूरा अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड 1 से लेकर 24 तक यहाँ पे अमेंडेड रहेगा, वो भी आपको 31 मई तक अमेंडेड आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट एस प्लस फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और सिलेबस 2016 के हिसाब से देखा जाए तो पेपर नंबर 8 में कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें मेंशन किया हुआ है, और आपका जो पेपर नंबर 19 है सीमे फाइनल स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको तो पूरा डिटेल में आपको कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री फॉर लिमिटेड रिविजन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपलोडेड इन वेबसाइट लिंक। ठीक है, तो आप आराम से जाइएगा लिंक पर क्लिक करके आराम से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सीरियल नंबर 3 में देखते हैं कंपनी एक्ट 2013, इसमें आपको इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए है ए भी। इसमें जो पेपर नंबर 6 है लॉ एंड एथिक्स इंटरमीडिएट एंड पेपर नंबर 12 कंपनी कोस्ट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरमीडिएट एंड पेपर 13 है जो कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस है जो फाइनल के लिए, पेपर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR एंड पेपर 19 कोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट फाइनल। ठीक है, तो ये सब आप कंपनी जो एक्ट है उसको आप अच्छा से गो थ्रू कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ तक अमेंडेड होगा वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट अप टू 31 मई 2021 तक आपको देखना होगा। ठीक है, वुड बी एप्लीकेबल फॉर जून एंड 2021 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऊपर से देख लीजिए द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड इंसॉल्वेंसी बैंक ट्रप्सी कॉल 2016 along with significant rules, notification, circular, order issued by the Ministry of Corporate Affairs and the law covered under other corporate law as amended by the concerned authority including significant amendment after 31st May would be applicable for June and December 2021 term of examination. आपको 31st May तक आपको amendment पढ़ना होगा। ठीक है, company law का भी, ठीक है, company act का भी, company act 2013 का भी। यहाँ पे देखिए finance act 2020 का भी दिया हुआ, intermediate as well as final students दोनों के लिए। पेपर 7 है आपका इंटरमीडिएट वाला का डायरेक्ट टैक्सेशन और पेपर 11 है इनडायरेक्ट टैक्सेशन और पेपर 16 हो गया डायरेक्ट टैक्स एंड फिर 18 हो गया IDT इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी अमेंडेड आपको 31 मई तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए GST वो भी आपको यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, फॉलो द लिंक फॉर पेपर 11 एंड 18। ठीक है, आप आराम से जाइएगा वेबसाइट पे, आराम से लिंक को क्लिक करिएगा, आराम से PDF ओपन होगा, उसको आराम से आप स्टडी करिएगा। ठीक है, तो चलिए यह सब आपका है। फिर ईडीएस देख लीजिए,
इंड एस नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट, ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइनल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इंड एस का जो पोर्सन है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आप लोग को जो सी एम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं आपको इंड एस भरने का दरकार नहीं है, बट वो फाइनल स्टूडेंट्स हैं, जो भी फाइनल का स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंड एस भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो सिलेबस 2016 पेपर 17 है सी एम कॉर्पोरेट फाइनेंस रिपोर्टिंग, आपको पढ़ लेना जरूरी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई बी सी है इंसॉल्वेंसी एक्ट इंट्रक्शन 2016 एंड सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आई सी डी आर, ठीक है, रेगुलेशन 2018। यहाँ पे देखिए आपको अच्छा से दिया हुआ है कि ए, जो ए बी है तो फाइनल का सिलेबस में इसलिए पेपर 13 का दिया हुआ है, आप आराम से जाइएगा लिंक को पे क्लिक करके ओपन करिएगा पी डी एफ, उसको स्टडी करिएगा अच्छा से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी एफ आर डी ए, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 इंटरमीडिएट सिलेबस ओनली पेपर 6 सिलेबस फॉलो द लिंक डिटेल नोटिफिकेशन, यहाँ पे जाकर के अच्छा से इसको पी एफ आर डी ए को अच्छा से रीड करिएगा, अच्छा से स्टडी करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे आप अच्छा से टाइम डिवोट करिएगा, अच्छा से स्टडी करिएगा, ठीक है। तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं और मैं बता दूँ सी एम ए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता दूँ एम सी क्यू क्वेश्चन इज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फॉर सी एम ए इंटरमीडिएट एज वेल एज सी एम ए फाइनल स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू एम सी क्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई वो मैं आपके आपका सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एम सी क्यू क्वेश्चन मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और उस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए सी एम ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू सी एम ए इंटरमीडिएट का लॉ एम सी क्यू, सी एम ए इंटरमीडिएट का जी एस टी एम सी क्यू, सी एम ए इंटरमीडिएट का आपका ऑडिट का एम सी क्यू और ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। तो और आप देखिएगा आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का एमसीक्यू सीएम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सीएम इंटर डीटी एमसीक्यू, ठीक है। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सीएम इंटर लॉ एमसीक्यू सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो सब वीडियो अच्छा से रेफर करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉर सीएम फाइनल स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सीएम फाइनल स्टूडेंट्स आप लोग के लिए अपलोडेड है सी एम ए फाइनल का लॉ एम सी क्यू, सी एम ए फाइनल का जी एस टी एम सी क्यू, सी एम ए फाइनल का एस पी एम का एम सी क्यू एंड सी एम ए फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का एम सी क्यू, ठीक है। तो ये सब जो भी पेपर है आपका उसका एम सी क्यू क्वेश्चंस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माई यूट्यूब चैनल, तो आप जाओ और एक बार तो जरूर जाकर एम सी क्यू देखो, आपको जरूर रियलाइज होगा कि जो आपका प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा और भी बेटर आपको फील होगा, ठीक है। तो बहुत सा वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।